मध्य प्रदेश के आयुर्वेद इंटर्न गहन चिकित्सा और स्नातकोत्तर छात्र 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आयुर्वेद महाविद्यालयों में पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज भोपाल के खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। छात्रों का कहना है कि बिना किसी कारण 70 से ज्यादा बार परीक्षाएं निरस्त हो चुकी है, जिससे 5 साल में होने वाली डिग्री 8 से 9 साल में हो रही है। साथ ही बताया कि 4 महीने में सरकार को 80 से ज्यादा बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आयुर्वेद और एलोपैथी के जो शिष्यवृत्ति है उसमें बहुत बड़ा भेदभाव देखने को मिला है, तो आयुर्वेद और एलोपैथी की जो शिष्यवृत्ति उसे समान किया जाए और उसे CPI से जोड़ा जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आयुर्वेद की जो यूनिवर्सिटी है उसको पृथक किया जाए और उसकी एक शाखा अलग से भोपाल में निर्मित की जाए, जिससे छात्रों को आगे कोई समस्या ना हो। तीसरी हमारी मांग यह है कि शासन ने जो PSC के अभी गठित किया है, PSC निकाली है, उसमें 15% बोनस अंक जो NRHM के लोग हैं उन्हें दिए जा रहे हैं, जो कि नए विद्यार्थियों के साथ सीधा सीधा भेदभाव है, तो इस चीज़ को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। चौथी हमारी मांग ये है कि आयुष औषधालय खोलने की जो मांग की गई थी 1000 से ज़्यादा, उनमें केवल अब तक 148 ही खोले जा चुके हैं, जिससे कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, तो उसे शीघ्र खोला जाए।